बिल वो देखे साथ में पे करे ना, तो बिल हमने इन्हीं से भराया है क्योंकि मैम छोटी वाली जो ना आयत और बड़ी वाली टाइप आ चुकी। बाकी दुआ के लिए काफी लोग कुछ तो वो काम नहीं करती है, खा ले बस उन्हीं के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर आफिया से होंगे। और भाई आज जो है ना मैं आपको सरप्राइज दे रहा हूँ, ये देखो भी आपका सरप्राइज, देखो सरप्राइज ये देखो, चाचे की शर्ट, चाचे की पैंट, चाचा भी काम से आ रहा। चाचा खैर है, जल्दी आ गए यार, वो मैं जिस जगह ड्यूटी आज फिर छोड़ा हो, छोड़ा तो पता नहीं वो क्या करते है कल, लेकिन वो मैंने ना आज ज्यादा ड्यूटी की, वो देर से आज मेरा साथी था ना। अच्छा 7 बजे आया, इसलिए वो उसने 6:30। अच्छा बाकी बातें छोड़ो, ये दीवार का कलर आपकी वर्दी का कलर बिल्कुल मैच हो रहा है, ऐसे लगता है वर्दी जगह पहनी भी नहीं है, बस दीवार के साथ तो मैच हो रहा है। चलो ठीक है, नीचे खेड़ी चाहते कि अपना ही भरा मैं भाई। बात और बता दूं कि भाई आज मैं मुर्गी और लोगों के पास नहीं जाने वाला, क्योंकि आज सुबह सुबह जना साथ भाई आ गए थे और वो घर की चाबी भी ले गए थे, तो मुर्गियां सब उधर आज सितारा के घर पे। अगर आप लोग बोलोगे ना, जो लोग मतलब मुर्गी के दीवाने हैं, तो तब मैं चला जाया करूँगा जिस टाइम आपको मुर्गी की ज़रूरत पड़े कि भाई नहीं हम मिस कर रहे हैं मुर्गी वाला सीन, तो मैं चला जाया करूँगा। लेकिन फ़िलहाल साथ भाई आ गए तो वही उसकी जो ना केयर किया करेंगे मुर्गी की और घर की, तो मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। तो अगर आपको मुर्गी मिस कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर भी चला जाऊँगा। हम जा रहे हैं एक और घर देखने के लिए, कल वाला घर हमें पसंद नहीं आया था बिल्कुल ही। दिलबर भाई को बहुत अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसके अंदर बहुत सारे जो ना काम थे और मैं चाह रहा हूँ कोई अच्छा सा घर मिल जाए। और आज बिल भी भरा और पूरा बिल हमारे ऊपर है, उसका रीज़न कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो पहले वाला घर देख के है ना वो डिसाइड कर लो, वो कैसे डिसाइड, पांचवी मंजिल पे है कैसे डिसाइड करें बताओ। तो फिर दिखाया क्यों था यार, वो दिखाया घर हमें पसंद है लेकिन पांचवी मंजिल पे अबू उसने चढ़ के गया, उसके बाद अबू बोलते फिर भाई अबू जो ना एक ही बार जा सकता है, दूसरी बार नहीं आ सकता जा सकता। और घर जो हम देख रहे हैं ना ये कुछ इस तरह से, इसके साथ अटैच बाथरूम है और ये रूम है, सही है ये रूम ऐसे हो गया। और यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये इतना बड़ा किचन है, किचन भी है, हॉल भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये किचन फुल रेडी है यहाँ पर। और इसके यहाँ से ऐसे चलेंगे तो ये एक रूम और भी है, और इसके भी साथ में, इसके भी साथ में जो है अटैच बाथरूम सब कुछ हुआ हुआ है, तो थोड़ा सा काम है वो तो हो जाएगा बाद में भी। तो भाई एक कमरा, ये दो कमरा, तीसरा कमरा का है मामा ये, अच्छा तीसरा कमरा ये, अच्छा भाई तीसरा रूम जो है ना ये रहा, तो इसके अंदर भी, अच्छा हाँ इसके अंदर भी है, मतलब सब के साथ जो ना एक एक अटैच बाथरूम बना हुआ है। और यहाँ से ये क्या है, अच्छा ये भी, अच्छा यहाँ पर बेलकोनी भी है, मतलब यहाँ पर बंदा आए बैठे, वैसे यहाँ पर किचन है अभी फिलहाल के लिए, तो ये भी, तो भाई ये तो अच्छा है, इसका रूम भी अच्छा फ्लैट हवादार है, मतलब यहाँ से भी खिड़कियाँ हैं ये रखें हवा के लिए, और ठंडी ठंडा महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है भाई इस बिल्डिंग में गर्मी होगी या कुछ, तो अच्छा है ये भी। एक और घर है वो भी हम देखने आए हैं, और ये भी अच्छा है, इसकी जो ना हवा यहाँ से आ रही है, हवादार है मामू ये तो, बाहर से भी लग रहा है कि बहुत हवादार है, अभी इसको लॉक खोलते हैं। तो भाई इसके अंदर जो ना हम ऐसे इंटर होते हैं, ये तो वैसे लगता है जैसे भाई वही हो, यहाँ से तो मामू अच्छा है, यहाँ से हम ये देखें भाई ग्राउंड भी देख सकते हैं, फुटबॉल भी देख सकते हैं सब कुछ, उई उई कबूतर ऐसा से। और इसके अंदर दो हैं, तीन है, तीन है, तीन है, एक ये हाँ, अच्छा वॉशरूम दो है, लेकिन ये है तो हवा वाला ये, अच्छा इधर बॉल भी आती रहेगी और सामने ग्राउंड भी, लेकिन ये फुल हवा वाला है, सामने देखो फुटबॉल ग्राउंड और ऐसे करके हम दिखा सकते हैं भाई गुड मॉर्निंग गाइस और ये चीज़ें वो चीज़ें, तो ठीक है, लेकिन ये खिड़कियाँ टूट भी सकती हैं। और अच्छा एक रूम मैंने आपको ये दिखाया, एक ही ये तो खैर बेलकनी और किचन हो गया, पानी भी आ रहा है, और एक ये है और एक ये है, ठीक है ये तो बड़ा हुआ, अच्छा ये वाला कमरा जो ना थोड़ा बड़ा है, ये देखो यहाँ से ऐसे जाओ ऐसे जाओ, फिर इधर जो ना वॉशरूम भी आ जाएगा, और इधर ये सारी बेलकोनी है ना इस तरफ से साफ तो करना पड़ेगा, और ये कलर भी करके देंगे, और क्या बोलते हैं भाई, अच्छा अभी मुझे एक बॉल मिली और मैं ये दे रहा हूँ, डीडी भाई हटना यहाँ से, मैं बच्चों को बॉल दे दूँ, अबे छोड़ देना, दे दूँ, कौन से बच्चे ये नीचे खड़े हैं, पता नहीं कब से आई है, छोड़ दे नहीं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये जिसने उठा ली उसकी,
ये इसने उठा ली अभी इसकी होगी, इसकी होगी, तुम्हारी होगी, ठीक है, मजे करो। ये लो एक और भी है, कैच पकड़ो जिसने पकड़ लिया, ये लो पकड़ लिया, पकड़ लिया। अच्छा अभी घर हम देख के आ गए और इधर देखें सब लोगों में लगे हुए हैं, दिलबर भाई, जहद भाई, सागे सब आए हुए हैं। तो जहद जो है ना हमें घर दिखा रहे हैं, तो बस घर अल्लाह करे कोई मिले। अभी देखने लास्ट वाला जिसको ग्राउंड वाला था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हवा थी, इधर से हवा, इधर से हवा, और ये ऐसा था कि जैसे बिल्डिंग हुआ था ना दो तीन फ्लोर, इसके ऊपर एक जगह पर एक ही फ्लोर था, तो ये भी अच्छा था। और फिर दिन जो है ना यहीं पर ही गुजर गए, और मेरी वाइफ को लेके जाना था बाहर, उसने लेना था क्या बोलते हैं भाई वो छोटा मुन्ना ना अमीर, उसके कपड़े लेने थे, तो वो वहाँ भी जाना है। चल रहे हैं मैं, मेरी वाइफ और हमज़ा, मतलब हम तीन लोग, और छोटा मीर सोया हुआ तो इसकी वो जो क्या आपा के पास रहेगा, क्योंकि अभी हम बस 10 से 15 मिनट में वापस आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, बोलो। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अब सब ठीक हो? ये मुंह पे क्या हुआ है? ये हाँ, ये दे। दे क्या हुआ इसको बताओ? क्या हो रहा है? चलो आ जाओ फिर दवाई भी लेते हैं, इक्का बार सुबह ही पक्का है ना, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। हमजा का आज मुंह क्यों पक्का? पता नहीं गर्मी से। नहीं पक्का तो पक्का, क्यों पक्का? पता नहीं क्यों पक्का। आज उसका जो ना हमजा का यहाँ से जो ना वो क्या बोलते, क्या होते हैं इसको, क्या बोलते हैं? नजर नहीं आ रहा, आप यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से दाने निकले हैं, तो उसके दाने आए हैं, अभी पता नहीं क्या बोलते हैं जी। भाग किया जाए जल्दी करो, वी 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 वी, बस 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 बस, चलो अभी हम चल रहे हैं, हम जा कराटे सीखने। हाँ तो मैं आगे निकल जाता। अच्छा ठीक है चलो आ जाओ, चले अभी। ये लेने कितने के? एक बीस, दो तीस, दो दे दो फिर इसको, ये लो बस। अच्छा मार्केट में हम लोग आ चुके हैं, अभी हम चलते हैं अंदर, और ये देखें मतलब कितने प्यारे प्यारे शूज़ वगैरह पड़े हो ना, तो सबसे पहले लेते हैं अमीर के लिए जाके निकर वगैरह, और जो ना हम लोग यहाँ पे ही देखे हैं मतलब रेडी से ढेले से, क्योंकि बच्चे के लिए लेने, हमजा के लिए, ओ छोटा अमीर है ना उसके लिए, उसकी सारी छोटी हो गई, तो उसकी मम्मा यहीं से देख रही है। सर एक ही जैसे ले लेंगे क्या? नहीं नहीं, ये पांडा वाली लो, अच्छी है, ले लो 8-10 ले लो, ताकि फिर बाद में आना पड़े। तो भाई ये है मार्केट, इस मार्केट का नाम वैसे मेरे पास यही पता कैसा दरना है ये मार्केट। और इधर ये देखें माशाल्लाह बच्चों के, छोटे बच्चों के ना कपड़े भी लगे हुए हैं यहाँ पर, बच्चों के भी ले सकते हैं सबके। क्या हुआ? खा गए सारे? इसको नहीं फेंकते, इसको नहीं फेंकते भाई, इसके ऊपर ये देखो हमारे कह दिया सर ने, उस खा लो, इनको संभाल कर रखो। अच्छा भाई इस मार्केट का नाम जो है ना वो है भोरी बाज़ार, और यहाँ पर सब कुछ है, देखें कपड़े वगैरह सब कुछ है ना, तो बच्चों के सब ले लिए दुआ फा दिया, बाकी शूज़ वगैरह देखते हैं इनके सब के ना। यहाँ पे जो ना कैचर वगैरह और ये चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, तो मेरी वाइफ अपने वैसे से करके दे दी, देख लो जो अच्छा लगता है। ये क्या हो रहा है? चुभने वाले हैं इतने, वो देखिए चुभने वाले, इससे पता चल, चेक देखें भाई हो रहा है। और ये चूड़ियाँ कितनी प्यारी प्यारी है ना, क्या हुआ? और ये देखें मुझे ना ये अच्छी लगी है आयत के लिए, छोटी है ना तो उसके हाथ पे बहुत ही प्यारी लगेंगी, इतनी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो यार एक ये भी पैक कर दूँगा। अच्छा और ये जो है ना टैपर के लिए हमने लिए, ये छोटी वाली जो है ना आयत और बड़ी वाली टैपर के लिए, बाकी दुआ के लिए और फाजे के लिए भी यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, तो फाजे और दुआ रहेगी ना, बाकी इनके लिए भी लेते हैं, सबके लिए यहाँ से एक ले लेते हैं। अच्छा अभी यहाँ से हमजा ने लिए हैं क्या बुलबुले, बुलबुले वाले ये दो पिस्टल, एक हमजा का एक अली के लिए लिया, बाकी बच्चों के लिए जो ना बैंगल्स। अच्छा लाइट भी है इसके अंदर, हमजा लाइट भी है इसके अंदर, पता है वो देखो बस ठीक है। एक आप क्या कर लेते, चलो अभी चले, इसमें सेल वाली भी आई हुई है। अच्छा बस अभी ये तो फिलहाल, तो भाई इस जगह को हम बोलते हैं अल्लाह हाफिज़, और इस जगह का नाम था भोरी बाज़ार जो कि सदर में पड़ती है। तो हम यहाँ से भी निकलते जाते हैं घर की तरफ, चलो आ जाओ, कहो सामान सारा है मेरा वॉलेट तो वहाँ से हम सीधा हैं अम्मी के पास। अम्मी कैसी हैं आप? मैं ठीक। और नैना आई आज? नहीं आज नहीं आई, आज आज हमारे पास भी नहीं, शायद बिजी होगी कहीं पे। और भाई काफ़ी लोग मुझे ज़्यादातर सवाल आते हैं, अम्मी जो ना आपकी यहाँ पर क्यों रहती है, आप लोग उससे काम क्यों कराते हो, ये क्यों कराते हो? तो भाई काम नहीं कराते, मैंने इस बात का पहले भी रिप्लाई कराया था, और जो ना
जवाब देना ही पड़ेगा मुझे काफी लोग कुछ तो बोल दो कहें कि मैं काम नहीं करती हूं। वो काम नहीं करती, खाल है बस उन्हीं के साथ बैठती है और उनकी तबीयत जो है बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, तो तबीयत बहुत खराब है, तो मैं इसलिए पास। और आप सब जो ना सब लोगों से गुजारिश भी है कि उनके लिए दुआ कर दीजिए। फिर जो ना डेली आते हैं आपकी, आप लोग अपनी अम्मी को नहीं पाल सकते भाई, अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे पास सब कुछ है, अभी हम अगर दूसरों को दे सकते हैं अपने माँ बाप को भी खिला सकते हैं, लेकिन जो ना फिर वही डेली एक ही बात आती है तो फिर इसलिए जवाब देना पड़ जाता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा, और अम्मी बस इनके साथ बैठी रहती है और अम्मी भी यहाँ पर खुश है, और अम्मी को हमने बहुत बोला कि वहीं पर, लेकिन अम्मी बोलती है नहीं मुझे अभी जो ना खाला के पास ही रहना है, तो जब तक खाला ठीक नहीं होती अभी अम्मी जो ना इनके साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगी फिर मैं। हाँ, आ रहा हूं। और ये हमारे घर से दूर भी नहीं है, अभी 2 मिनट लगते हैं हम यहाँ पर आ जाते हैं और 2 मिनट लगते हैं वहाँ पर जाते हैं। फिर जो ना यही बातें आती रहती है रोज़ जो ना कमेंट में, तो मैं इसीलिए जो ना ये बात क्लियर करने जा रहा था आज कि भाई आज मैं जवाब दे ही देता हूँ। मैं वैसे चाह नहीं रहा था कि जवाब दूँ, क्योंकि फिर जो ना डेली कॉमेंट फिर जो ना काफ़ी लोगों को शायद कुछ गलत लगता होगा, तो ये बात उनके माइंड से क्लियर हो जाएगी, इसीलिए भी अम्मी यहीं पे रहती है और अम्मी इसीलिए अब उसे दूर रहती है। अच्छा भाई, इस टाइम जो ना मैं आया हूँ, साजिद भाई, चाचा, दिलबर सब आ गए, क्योंकि हमारे पास एक गेस्ट आए हैं जो कि आपको मिलाते हैं उनसे भी, तो वो हमें लेकर आए कि भाई मतलब उनको हम लेकर आए इधर दावत पर ना, तो अभी उनको लेकर हम ऊपर बैठेंगे, नीचे ही बैठने की जगह सही नहीं है, यहाँ पर 4 बंदे बैठे हुए, हमें जो ऊपर ही बैठना सकून से। हम लोग आ गए हैं और अभी पहले हमने सोचा नीचे बैठेंगे फिर ऊपर आ गए, क्योंकि नीचे के बैठने की जगह अच्छी नहीं थी। और यहाँ पर कौन कौन है, साजिद भाई है, चाचा है, वन एंड ओनली चाचा, और इधर दिलबर भाई है, जैद भाई, और इनको तो आप जानते होंगे, जानते हैं आप आदम सागर। और इनको भी आप जानते होंगे, तो ये आज हमारे पास मेहमान थे जो मैं आपसे कब से बोल रहा था, तो अभी हम यहाँ पर बैठे हमें सलाद मिली है, तो इसके 1.5 घंटे बाद जाके कुछ मिलेगा। तो हमारा जो ना सब कुछ आ चुका है यहाँ पर है, ये कौन से रेशमी कबाब थे ना, रेशमी कबाब, और ये इसे हम सिज्जी बोलते हैं, मतलब जिंदा कोयलों पे गाड़ देते हैं, पर फिर जब बंजरे पे सिज्जी बन जाती है, इसके ऊपर ऐसे नमक डाल के खाते हैं। हाँ, इसके ऊपर लेमन डाला जाता है, और इधर ये के ये जो मटन कढ़ाई थी और एक वाइट कढ़ाई थी वो रह गई है, तो बस यही कुछ मंगाया हमने, और रायता वायता सब कुछ पहले खा लिया। खैर भाई, हमने यहाँ पर अभी खाना खा लिया, अभी नीचे खड़े हुए हमारी बाइक निकालेंगे, और बिल जो है साइड पे भरा है, ये देखो कितनी अच्छी बात है ना, बिल वो देखें साइड पे कर रहे हैं ना, तो बिल हमने इन्हीं से भराया है क्योंकि मेहमान थे ना, इसलिए तो बिल हमेशा मेहमान से भराना चाहिए। और बाकी सब इधर चाचे की जो ब्लॉगिंग है ना बहुत कमाल किया का चाचा है ना, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग बना रहे हैं। हम घर हैं और नैना और शेखू शाहरुख जो ना भैया का जिम कर रहे हैं, ये वज़न कम करने के लिए कर रही है और ये वज़न बढ़ाने के लिए, छोड़ दिया भैया हमारे सही वाकई में 2 दिन से वो उस दिन वही बहुत हो गया, एक कमरा है तुम्हारा, एक कमरा जब एक कमरा ना काम करता, और वो भी साफ सुथरा है, सिर्फ माऊ रहती है वहाँ पे। अच्छा हाँ भाई, साज भाई आ गया ना, कल आ रहा है यहाँ पे आया हुआ है, मैं बोलता हूँ ले जाओ माऊ इनसे, नहीं नहीं माऊ को अभी तो तुम लोग जब सितारा आएगी तब ठीक है, मैं नहीं कल जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो ना मेरे साथ है ना, गर्मी में सोचेंगे इन्वर्टर जो उसकी जो हवा है ना सारी, वो सुबह सुबह तिक्का बन जाती है। चलो ठीक है, ओके जाओ। हमजा क्या हो रहा है, पढ़ो लेट के नहीं करो ना, साथ साथ पढ़ो, एफ ये उल्टे हाथ से कर रहे क्या पढ़ाई, नहीं राइट हैंड एफ, हमजा राइट हैंड है, लेकिन उल्टी करता है इसको, सही से कराओ, सीधे सीख जाएगा यहाँ से, सही कर रहा है शुरू से। K4 क्या? आपने देखा होगा, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजम करेंगे। और दूसरी बात है, आज जो ना अभी हम जाके फ्री हुए, मतलब आज जो ना एक हमारे पास मेहमान और गेस्ट आए हुए थे जो कि क्या बोलते हैं सपोर्टर हैं सितारा और हम सब के, उनके चैनल का नाम क्या था, पार्क विलेज इनसाइडर, जो आप सब भी जानते होंगे जो रिएक्शन वीडियो बनाते रहते हैं सितारा के हक में, तो आज वही आए हुए थे, तो फिर उन्हीं के जो ना उन्हीं के साथ बैठे रहे, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि जब कोई मेहमान आता है तो उसको पूरा टाइम देना चाहिए ताकि उनको ये फील ना हो कि भाई ये जो ना किससे बात नहीं करते कुछ, तो उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड किया और आज का व्लॉग टाइम भी निकल गया, व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।